केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। देवघर के विधायक नारायण दास से खास बातचीत, आइए जाने रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के जीत पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है। एनडीए की जीत बहुत बड़ी जीत है और इस जीत से निश्चित रूप से 2024 का जो लक्ष्य है उसकी शुरुआत होगी और रामगढ़ का चुनाव इस बात का संकेत है कि चाहे भाजपा हो चाहे आजसू हो, ये गठबंधन शुरू से है और ये गठबंधन अगर पहले भी होता जिस दौर में मैंने कि 2019 का चुनाव हुआ तो सफलता अपार मिलती है। निश्चित रूप से ये बड़ी जीत है और ये जीत 2024 के लिए अभय वरदान होगा, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो चाहे झारखंड की राजनीति हो। लेकिन सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं चार चुनाव तो मैंने जीता, एक जीत गए तो क्या? देखिए, सत्ता पक्ष जो भी कह रहे हैं, सरकार उनकी है, चीज़ें उनकी है। हम मधुपुर कितने वोटों से हारे? अगर चार बूथ में लोगों की सहानुभूति मिल जाती तो हम मधुपुर जीत जाते। तो हर जगह हम जीत के करीब आके हारे हैं। ये गठबंधन की जीत है और कहीं न कहीं ये बड़ा संकेत है। अभी सिर्फ झारखंड की बात, रामगढ़ की बात ही नहीं की जाए, पूर्वोत्तर में तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये भी एक अच्छा संकेत है कि वक्त भी हमारा है, दौर भी हमारा आएगा और पुनः केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जिस रूप से वैश्विक पटल पर भारत का यशगान हो रहा है, गुणगान हो रहा है, इसकी शक्ति का वर्धन हुआ है। और हम कहते हैं कि 21वीं सदी सिर्फ भारत का ही है। उत्साह बढ़ा है भाजपा कार्यकर्ताओं में? काफ़ी उत्साहित हैं हम लोग। अभी जश्न मना के प्रदेश कार्यालय से आ रहे हैं। ये जीत एक लंबी लकीर खींचने का काम करेगी और जब युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है, जिन चुनावी मुद्दों के साथ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार बनी, लोगों को लुभावने नारे दिए, कभी नौजवानों को 5 लाख नौकरी देने की बात की, कभी बेरोजगारों को क्या कहते हैं भत्ता देने की बात की, कभी डोमिसाइल की बात की, आज क्या हाल है? क्यों नहीं वो कर रहे हैं? अब सुनते हैं कि जिस प्रकार रघुवर दास जी ने 1985 का कटअप ये करके सर्वे करा के और स्थानीय नीति को लागू करने का काम किया था, कितनी बहालियां हुई, लेकिन ये तो आज भी कह रहे हैं कि 1932 कर पाएंगे क्या नहीं। अब लगता है कि इनको 2023 का ही सर्वे करा के स्थानीय नीति को परिभाषित करना चाहिए। जिस नियोजन नीति की बात करते हैं, क्या वजह है कि इनको वापस लेना पड़ा? जिस कृषि बिल की बात करते हैं, क्या वजह है इनको वापस लेना पड़ा? ये बाजार समिति वाला कुछ दिन पहले वापस इन्होंने लिया। कोई एजेंडा इनके पास नहीं है। इन्होंने जो नारा दिया था कि झारखंड का कल्याण करेंगे, झारखंड का चमत्कार करेंगे, एक एक आदमी इनसे सवाल कर रहा है और ये सवाल से भाग रहे हैं। कल के बजट से कुछ उम्मीद करते हैं? देखिए, संथाल पूर्णा प्रमंडल का सबसे विकसित शहर देवघर है। देवघर को आज हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। देवघर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, आज़ादी का द्योतक केंद्र है, बाबा वैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग है और संथाल परगना प्रमंडल को अगर ये सरकार विकसित करना चाहती है, क्योंकि वहाँ से मुख्यमंत्री भी आते हैं, आप उनके क्षेत्र का हाल देख लीजिए, दुमका का हाल देख लीजिए, रोज आदिवासी बालाओं की हत्या हो रही है, उसका अपहरण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और उनकी हत्या की जा रही है, टुकड़े टुकड़े में आदिवासी। परसों की ही बात है, कोई बच्ची नाबालिग थी जो कहीं से आ रही थी, उनके साथ 10 लड़कों ने गैंग रेप किया और सरकार उस पर मौन है। अभी आप देख लीजिए पूजा सिंगल, जिस पर FIR नहीं हुआ। अभी वीरेंद्र राम
बड़ी बात है, उस पर सरकार कुछ जवाब नहीं दे रही है। हमें ऐसा लगता है कि इस बार भी बजट जो होगा वो सिर्फ कागजी बजट होगा, वो क्षेत्र की जनता के लिए सिर्फ झुनझुना का काम करेगी, और इनकी अपनी डफली है, अपनी राग है, वन वे चल रहे हैं। इनको तो चाहिए कि बजट आने के पहले तमाम माननीयों से और यहाँ के स्थानीय लोगों से राय लें, जिस प्रकार हमारी पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, रघुवर दास जी राय लेते थे। इनको राय लेके राज्य के लिए बजट पेश करना था, जिसमें आप आमावों को, लोगों को, नागरिकों को, नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को इसका समुचित लाभ मिल पाए। अब कल के बाद ही बोल पाएंगे कि इनका एजेंडा क्या है, इनकी सोच क्या है, ये झारखंड को कहाँ ले जाना चाहते हैं। एक तरह से ये झारखंड, जिस झारखंड की चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पहले बोला करते थे किसी भी मंच पर, कि अगर विकास देखना है तो झारखंड जाइए, जहाँ विकास दिखता भी है और विकास बोलता भी है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।